और आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जगह पे हम खाने के लिए रुके हैं, तो देख लो व्यू पहाड़ का। अभी बहुत दूर है हम, तब तक आप पहाड़ का देख लो यहाँ का नज़ारा। एक जगह पे अभी हम आ चुके हैं जयंत पहाड़ के आसपास। आप देख ही सकते हो यहाँ का व्यू नज़ारा। ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं पानी में। तो अभी हम आ चुके हैं जयंत पहाड़ के आसपास। आप देख ही सकते हो इधर फोटो शूट चल रहा है। इधर व्यू देखो, पानी, नदी। ये नदी सूख चुका है, यहाँ का फॉरेस्ट है। अरे ये लोग फोटो शूट कर रहे हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं पानी में। ये मेरे भैया है, ये मैं हूँ। इधर हम पानी में हैं, इधर मैं भी पानी से जा रहा हूँ। एकदम हाथ में धीरे चला रहे फोटो शूट के लिए। भाई साहब क्या पानी है, एकदम पूरा क्लियर। अभी हम फोटो शूट पे रेडी हैं। ये मेरी भाभी है, न्यूली मैरिड भाभी। आपने पिछला व्लॉग में देखा ही है, इनके साथ मैं आया हूँ। ये पीछे हमारी फैमिली है, हम जा रहे हैं उधर फोटो शूट के लिए। भाई क्या ही बताओ, सीन तो एकदम मस्त है। बस मैडम की फ़ोटो शूट करना है, हेल्प करना है। मैम आ रही है। इधर पानी का फ्लो देखो, मैं एकदम पानी के पास ले जा रहा हूँ। सीन दो हो जाए
everything to you. तो यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट स्टॉप पे, यानी बॉक्सा हिल के आसपास। तो बॉक्सा हिल में जाएंगे, मज़े करेंगे, अपनी टाइम गुजारेंगे अच्छी तरह से फैमिली के साथ। तो वही हमारा प्लान था। जब तक हम पहाड़ी से निकलते तब तक ये रिवर क्रॉसिंग का व्यू हम लोग देखते रहिए, मज़े लेते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर। अभी हम आ चुके हैं बॉक्सा हिल के आसपास। ये मेरे भैया है, हम जाने वाले बॉक्सा हिल पे चढ़ने वाले। अब रेडी है, रास्ता सामने है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहेंगे धीरे धीरे से, मैं आपको ऊपर जाने के बाद पूरा व्यू दिखाऊंगा कैसा लगता है बॉक्सा हिल में। चलो तब तक आप देखते रहिए सिनेमेटिक्स और स्टोरी लाइन। बाय। पहाड़ के आसपास हूँ, ये देखो चढ़ाई, यहाँ से पूरा वहाँ तक चढ़ना है। जा रहे हैं हम बॉक्सा फोर्ट, या वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग है, लेकिन जितना दूर हम हो सके हम जा रहे हैं। चढ़ाई तो हम सिर्फ शुरू कर चुके हैं, मे बी 500 मीटर हम चल चुके हैं। अभी सांस फूल रही है धीरे धीरे से, पीछे वो लोग आ रहे हैं और सामने ये लोग जा रहे हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है, कैमरा है और बैग है। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्यूज़ के मज़े उठाते रहिए जंगल के। तब तक हम जितना दूर हो सकते हैं भेजते। যত দূর পারে উঠবে কেমন লাগছে উপরে উঠতে? দারুন। চলো এখন সেরা। চলো এখন অনেকটা দূর। उठते थक देखा यार, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, जय भोलेनाथ। यहाँ से कोई नीचे गिर जाए, कतटा नीचे देखी। आवाज सुनता अच्छी सुनो जी, हमें वहां पर चढ़ना। अभी भी हमारी हालत खराब हो चुकी है भाभी का, हम फिर भी कोशिश में जारी है। हिल पे देख ही सकते हो कितना स्टीप है, कैमरा में भी मे भी नोट नहीं हो रहा, पर हम चढ़ रहे हैं। मेरी हालत देख लो, कैमरा ऊपर से हालत खराब, पर कोई ना। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के गाइड वालों ने आके बोल दिया कि अभी 4 बज चुके हैं, नीचे चले जाओ, नहीं तो फाइन लगेगा। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं।
তাহলে কেদারনাথ গেলে কি হবে? কেদারনাথ গেলে ওখানে সিস্টেম এরকম না তো। কেদারনাথ যাত্রা দুর্ভাগ্যবশত দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ভাগ্যে ছিল না, বস 4টে বেজে গেছে, নামায় দিচ্ছে, 0 পয়েন্ট উঠতে দেবে না। ফোন করা যাবে না কিন্তু ওরে। আ কি কষ্ট না? अभी थक गए क्या बताओ, बहुत ऊपर आ चुके थे बट डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बहुत लेट आ चुके हैं, हम लेट करके आए तो ऊपर चढ़ने में मना है क्योंकि आसपास तो फॉरेस्ट है पूरा, तो यहाँ पर जंगली जानवर जो रहते हैं वो कहीं कभी कभी निकल जा सकते हैं, तो इसलिए गाइड वाले बोल चुके हैं कि अभी नहीं जा सकते हम, तो यही ऐसे ही हम जा रहे हैं। और वो रहे मेरे भैया, देखो वो देखो जा रहा है वो काला बंदा, वो जा रहा है अकेले, तीनों अकेले जा रहे। पुछ वेस्ट बाबा, दादा तो तू चले गए थे। ओए देख गोडजी, यहाँ का सन व्यू देखो, सनसेट, पानी की आवाज सुनो, माय गॉड। के छैप छैप गोल्ड सी, शोल्डर पेन हो चुका है थोड़ा, क्या बताऊं भाई, बहुत कष्ट हो चुका है, बहुत हार्ड एक्सेलरेशन हो चुका है। अभी जाएंगे मे बी टी शॉप या टी गार्डन के आसपास, तो वही जाके फोटोशूट करेंगे, वहाँ पूरा फैमिली है, वो लोग उधर बैठ चुके हैं। प्रॉब्लम यही है कि इधर आसपास इतने जंगली जानवर है कि ये लोग ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, और अगर किसी को कुछ हो जाए तो अलग हो जाए ना, किसी का अगर किसी जंगली जानवर लेके जाए तब तो प्रॉब्लम हो चुकी है, हो जाएगी, तो इसीलिए गाइड वाले बोल रहे हैं कि जल्दी से जाओ, जाके नीचे चले जाओ क्योंकि यहाँ पर रात होने वाली है, अभी 4 बज चुके हैं। अभी हम भूटान के बहुत आसपास, बहुत पूरा एकदम बॉर्डर के आसपास, बॉक्सा फोर्ट ऊपर जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से गए, 0 पॉइंट नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पर जाने नहीं दिया गाइड वाले ने, ऊपर बीच रास्ते पे ही रोक दिया, तो हम ही जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ, वहां से टी गार्डन जाएंगे, थोड़ा पिक्चर लेंगे, मोमो ठोमो खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तब तक अगर आपको पसंद आए तो तब देखते रहिए, अभी भी बहुत सफ़र बाकी है, तब तक आप देखते रहिए। इधर पार्टी चल रही है, देख ही सकते हो मेरा हाथ दर्द हो गया, उधर आग लगा दी है कैंपिंग। गॉड जी जिधर जाता है उधर ही बच्चों थी फिर था बच्चों। तो बॉक्सा फोर्ट के आने से बाद हम निकल पड़े अपने घर की तरफ, ये पहाड़ है आप देख सकते हो, जब हम दूर से पहाड़ से दूर जाते हैं पहाड़ लगता है कि नज़दीक आ रहा है, तो यही हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो जाने से बीच रास्ते में हमको कुछ दिख गया, तो आप देख लो क्या दिख गया, जंगल में सिर्फ एक ही मिली है, देख ही सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस यहाँ पर हाथी आ रही है, ये देखने के लिए बहुत भीड़ है यहाँ पर, पूरा एकदम भर चुका है यहाँ पर, ये है हाथी। और बेबी
চাবিটাকে বের করে এখানে চুবায় রাখছে এই কেমিক্যালের মধ্যে নষ্ট। जिस जिस बंदे ने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो आशा करता हूँ आपका ब्लॉग, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा कमेंट तो डाल ही देना। तो मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए सायनारा, पीस आउट, बाय। और ये रहा मेरा प्यार, आप लोग जोड़ देना, ठीक है? तो तब तक के लिए पीस आउट, बाय, गुड नाइट। Mam zi mam bing bing boo.